मुबारक हो आप दोनों को, आप दोनों की एनिवर्सरी। इसके बाद आप लोग सदा खुश रहो, बुढ़ापे में भी साथ रहो। इसी को कहते हैं दोस्तों प्यार, रिलेशनशिप ऐसा ही चलना चाहिए फॉरएवर। एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी जरूरी नहीं है कि हम एनिवर्सरी के दिन ही सेलिब्रेट करें। रिलेशनशिप को चलाना है तो हर दिन एक अच्छे दिन की तरह जीना चाहिए। एनिवर्सरी तो जस्ट है कि भाई हम उस दिन को याद करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर दिन हम उससे अपने जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसको अच्छे से निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम झूले। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। दोस्तों आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के दिन मेरे भाई और ना भाभी जी की फर्स्ट एनिवर्सरी है। उनकी शादी को ना मतलब एक साल हो चुका शादी को, और अभी क्या कर रहे हैं भाभी जी और भैया जी, उनके पास ही जाता हूँ, उनको विश करता हूँ। तो आज रात को केक कटने वाला है, आज रात को भाभी के घर से भी आएंगे, ठीक है, शायद उनके पापा आएंगे या भाई आएंगे, सब आएंगे, देखते हैं कौन कौन आते हैं। बाकी हमने गांव से किस किस को बुलाया अभी तो कुछ पता नहीं है, बाकी रात को पार्टी होगी, फिलहाल विश करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको मैं अभी दिखाता हूँ, पापा और मम्मी यहाँ पे अभी भी कुद्दे को बीन रहे हैं, कुद्दे को साफ कर रहे हैं। तो ये कुद्दा साफ करना अभी तक चला हुआ है, क्योंकि हमारा कुद्दे यहाँ पे लगभग दोस्तों सुनी लिया होगा आपने, जो कुद्दे को ना बिल्कुल साफ कर रहे हैं ना, अब इसका आटा बनाया जाएगा। अब मतलब कि बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा कुद्दे का, मतलब कुद्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है पीसने के लिए। मम्मी इसको अब जो थोड़े थोड़े इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा भूसा होता है ना उसको साफ कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। खाता मैं दोस्तों आपको भी देखते दोस्तों, ये इस तरह का कलर है इसको देखा, अब इसने अपना असली रूप ले लिया है इस कुद्दे ने। देखिए जब मैं आपको पहले दिखाया था ना तब ऐसा कुछ कलर नहीं था, तो अब भी इसका असली रूप आ चुका है। जब इसका आटा बनेगा ना और जब इसके चिल्टे बनेंगे ना, तो चिल्टे का कलर सेम टू सेम चॉकलेट की तरह होगा, जैसे चॉकलेट नहीं तो देखने में वैसे ही वैसा कुछ कलर आता है। अब चलते हैं लैंडर में, वहाँ पे भैया भाभी बैठे हैं, तो विश करते हैं सबसे पहले तो उन्हें। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ पे भैया भाभी तो वैसे बैठे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। भाई को भी हैप्पी एनिवर्सरी। तो एक साल हो चुके हैं शादी को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक साल हो गया, हमें पता ही नहीं कैसे हो गया एक साल, पता ही नहीं है हमें, तो लग रहा है ऐसे भी कली हुआ है। कली हुआ क्या? कली हुआ शादी। आज के दिन आप लोगों के फेरे हो रहे थे ना शायद? इस टाइम फेरे हो रहे थे शायद। हाँ। अच्छा। दो बीच के पैंतीस में इस टाइम फेरे पहली बार। तो ये बताओ कि एक साल का एक्सपीरियंस बताओ भाई, आप बताओ। कैसा एक साल का रिलेशनशिप कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ। और तो कुछ नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं कि हमने शादी भी की। अच्छा, और यहाँ पे एक साल का एक्सपीरियंस बताओ भाई। एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है खास, बस कैसे भी लिया पता नहीं लगा। अच्छा, 365 दिन कैसे निकले ये पता ही नहीं चला, कोई पता नहीं चला कितनी जिंदगी भी ऐसे करके जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं, एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी जरूरी नहीं है कि हम एनिवर्सरी के दिन ही सेलिब्रेट करें। अगर किसी रिलेशनशिप को चलाना है तो हर दिन एक अच्छे दिन की तरह जीना चाहिए। एनिवर्सरी तो जस्ट है कि भाई हम उस दिन को याद करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर दिन हम उससे अपने जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसको अच्छे से निभाते हैं, अच्छे से निभाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से रहे सब कुछ। तो इतना ही है मेरे शब्द। बस यही है सबके लिए, यही बताना चाहती हूँ मैं कि शादी मत करो। शादी करो क्या मतलब शादी मत करो? हमारी एनिवर्सरी इसका मतलब ये नहीं कि हम आज खुश हैं, मतलब हम हमेशा ही खुश रहते हैं। आपने देखो मैक्सिमम व्लॉग भी हम हर दिन ही सेलिब्रेट करें, जरूरी नहीं होता कि आपकी एनिवर्सरी है भाई आज ही सेलिब्रेट करो कि आज हमारी एनिवर्सरी है, आगे पीछे करो झगड़े, ऐसा नहीं है। हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ये है कि शादी के बाद थोड़ा एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे समझ लेते हैं। पर सच में बलराम मुझे पता ही नहीं चला एक साल कैसे चला गया, कुछ पता नहीं चला, मतलब बहुत अच्छे से गया, हंसते हंसते खेलते, मतलब ओके। अगेन फिर से आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।
जी हाँ दोस्तों, मैंने विश तो कर लिया, अब आपको मिलेंगे हम शाम को, रात को मिलेंगे जब हम रात को ना सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ ही क्षणों में आपसे। जी हाँ दोस्तों, शाम के 7 बजने वाले हैं और मेहमान भी आने वाले हैं, तो भाभी के घर से भी आएंगे, भाभी के धर्म भाई भी आएंगे, मतलब कि यहीं के विकी भाई वो भी आएंगे। तो देखते हैं बड़े भाई क्या बना रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बड़े भाई यहाँ पे बना रहे हैं पकौड़े, तो पकौड़े भी बनाएंगे आज हम, मटर पनीर बनाएंगे और तरह तरह की आइटम बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बताना, आज पूरन मासी भी है और साथ में आज भैया भाभी की एनिवर्सरी भी है। ऐसे टाइम में हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम में हम फुल वेजिटेरियन बनाते हैं, घर में पकौड़े बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, मटर पनीर बनाते हैं। वही आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या बनाएं। सबसे पहले यहां पे बना रहे हैं भैया जी पकौड़े, पकौड़े से शुरुआत करते हैं कि पकौड़े किस तरह से बनाए हैं और मैं उस पकौड़े को टेस्ट भी करूंगा, दिखाता हूं दोस्तों। देखिए यहां पे भाई साहब बना रहे हैं पकौड़े, ये बन रहे हैं बड़े मज़ेदार पकौड़े और मैं मज़ेदार पकौड़े को टेस्ट भी करूंगा। देखिए पकौड़े टेस्ट कर रहा हूं, साथ में आपको दिखाता हूं क्या सब्जी बन रही है आगे, या फिर बनी होगी फूल गोभी की सब्जी बनी है वो दिखाता हूँ। बनी है फूल गोभी और आलू की सब्जी, आप देख सकते हो यार कितनी सुंदर तरीके से मैंने बनाई है। और साथ में बनाई है हमने चटनी, मैं आपको दिखाती हूँ चटनी भी हमने बनाई हुई है। ये हम जो मटर पनीर बना रहे हो तड़का मैं लगा रही हूँ अभी दूसरे, उसमें ये बनाई है हमने चटनी, पुदीने की चटनी, और साथ में हमने इसमें बहुत कुछ डाला है, अब वो नहीं बताएंगे हम क्योंकि रेसिपी सबको नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, और साथ में हमने बनाई है राजमा, राजमा बनाई है, मुझे तो पता ही नहीं था। राजमा कब बनाई? राजमा भी मैंने थोड़ी देर पहले बना दी थी, और राजमा थोड़ी सी बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज बनाया। आलू में ना चटनी लगा के खा रहे, लोकल चाट बोलते हैं उसको, लोकल चाट खुद ही बना रहे। वाह भाई वाह, कैसा होता है खाने में मम्मी ये? बड़ा स्वाद। जी हाँ दोस्तों, अब तो ना मेहमानों का वेट रहेगा, बस तब जाके हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक खाना भी बन जाएगा। बाकी क्या, बाकी तो मिलाते हैं गेस्ट लोग से, सभी से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो भी गेस्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर से। जी हाँ दोस्तों, अब हम रूम को सजा रहे हैं। ठीक है, अभी भी गेस्ट लोग नहीं आए, सिर्फ भाभी के भाई आए, तो वो किचन में बैठे हैं, उनसे भी मिलाऊंगा मैं आपको। देखिए भैया और भाभी की दोनों की एनिवर्सरी है, तो दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोनों ही मतलब अपने एनिवर्सरी को अच्छा बनाने के लिए हम बलून फुला रहे हैं। तो मैं तो ऐसा नहीं करूं कि भाभी और भैया को सरप्राइज रूम डेकोरेट करना है, और खुद ही देखो गाइस सामान लेट पहुंचा। सो क्या, सो ऐसा नहीं, थोड़ा कुछ करूं तैयारी। देखो क्या गाइस, देखो हम दोनों को खुद ही करना पड़ा, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं। गाइस अभी तक मैंने 4 बलून मैंने ही फुलाए थे, ये तो अभी लगे, फटाफट ना तैयारी करते हैं। बाकी हमारे गेस्ट भी पहुंचने लगे हैं, चिंपू भौंक रही है, आपको भौंकने की आवाज़ से ही पता लग गया होगा कि हाँ शायद कोई आ रहा होगा। चिंपू तभी भौंकती है जब कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, जब कोई लोग चले होते हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ मैं बोल रहा था ना दोस्तों, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे पीयूष, पीयूष ने एंट्री मार ली है यहाँ पे, नमस्ते। तो पीयूष आ चुका है और दीदी आ चुके हैं और भैया आ चुके हैं और मुस्कान भी आ चुके हैं। तो आप सभी का वेलकम है, नमस्ते। देखिए दोस्तों सारे फैमिली मेंबर इकट्ठा हो चुके हैं, मुस्कान से लेकर भैया से लेकर दीदी से लेकर सब आ चुके हैं। सो चलो अब क्या कर रहे हैं, चलो अब चलते हैं रूम में, सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी। चलो जी, चलो चलो जी, चलो अब हम चल पड़े हैं सेलिब्रेट करने। सो गाइज फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं, अब तो वेट रहेगा भैया और भाभी का, वो रूम में अभी पधारे नहीं है, बाकी हम सब मेहमान पधारे हैं। मेहमान तो क्या ही बोल सकते हैं, मतलब सारे परिवार है, सारे रिश्तेदार है। यहाँ देखिए मुस्कान, मुस्कान भी हाजिर हो चुके हैं, भाभी जी के बड़े भाई पीयूष, पीयूष के पापा जी, अपने पापा लता जी, मम्मी और एंड में मुस्कान। अब हम फिर से अनबॉक्सिंग करेंगे केक की। तुमने किया? हमारा एक ही डायलॉग होता है केक की अनबॉक्सिंग करना, देखा कटाना वो दो तो। जी हाँ दोस्तों, ये केक दोस्तों एनिवर्सरी में भी कुछ नहीं होता है दोस्तों, जैसा बर्थडे बनाते हैं ना सेम वैसे ही होता है।
कहने का मतलब है कि एक साल पूरा हो जाता है तो फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस कैंडल भी जला दी गई है। सो गाइस दूल्हे राजा को एक साल हो गया है और दुल्हन को एक साल। अब इसके बाद हम दूल्हे राजा नहीं कहेंगे। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे? बुड्ढे राजा। सो गाइस इसके बाद बोलेंगे बुड्ढे राजा। हाँ इसका संपन्न भी होने वाला है, मतलब फ्री हो जाएंगे आप, अब अच्छे से आटा गूंथ पाएंगे। सो अब शुरू कर दो कैंडल बुझाना। सात बुझाओ, सात छुरे छुरा का है, छुरा का है, छुरा छुरी सात पकड़ो ना। हैप्पी एनिवर्सरी, वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। मुबारक हो आप दोनों को, आप दोनों की एनिवर्सरी। इसके बाद आप लोग सदा खुश रहो, बुढ़ापे में भी साथ रहो। देखिए दोस्तों ऐसा होता है, एक साल के बाद इसी को कहते हैं दोस्तों प्यार। रिलेशनशिप ऐसा ही चलना चाहिए फॉरएवर। दोस्तों अब हो चुका शुरू गिफ्ट समारोह। ठीक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। सो गाइस इस प्रकार से आज की मतलब भैया भाभी की एनिवर्सरी संपन्न होती है। अब हम सब इकट्ठे सेल्फी लेंगे। सो गाइस इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाता है और मैं आपको मिलाता हूँ पीयूष से। पीयूष भी बाय बाय कर रहा है आप सभी से, ठीक है? और मुस्कान भी कह रही है कुछ, और कुछ कहना है? तो गाइस मुस्कान यहाँ पे कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है मुस्कान, बताओ आप। और पीयूष और कमेंट। ओके तो गाइस अब हमने एनिवर्सरी मना ली है, हारी हो चुकी है, तो बताना इस बार मैंने फर्स्ट टाइम की नोरे टोपी पहनी है। तो शादी में पहनी थी, मैंने नहीं पहनी। कमेंट जरूर करना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेसअप कैसा था। ज्यादा स्पेशल हम ज्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि ज्यादा गेस्ट नहीं बुलाए थे हमने, क्योंकि बहुत हो चुका है। जिनको नहीं बुलाया प्लीज सॉरी, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आ गया तब बुलाएंगे, ठीक है? नाराज नहीं होना और साथ में हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।